ये लोकतंत्र की हत्या है। We are fighting for the people. We are fighting against the man guys. सब को सम्मति दे भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये वीडियो देखिए और इससे समझिए कि किस तरीके से विपक्ष के बाल पकड़े जा रहे हैं। ये विपक्ष के बाल नहीं पकड़े जा रहे हैं, देश की आम जनता के बाल पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जब विपक्षी आवाज नहीं उठाएगी तो देश में कोई भी कानून लागू हो जाएगा और जनता के ऊपर जबरन थोप दिया जाएगा। ये वीडियो साफ बता रही है कि किस तरीके से पुलिस का अत्याचार देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देश की राजधानी के बीचों बीच में ये प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें पुलिस ने विपक्ष के नेता श्रीनिवासन के बाल पकड़े और उनको जबरन कार में बैठा ला। जहां ये भी वीडियो में कहते हुए नजर आ रही है पुलिस कि इनके पैर पकड़ो। ऐसी कई वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जहां पे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर पुलिस अत्याचार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये महिला ये कह रही है कि मेरे कपड़े फट गए हैं, इसके बाद भी मैं लगातार प्रदर्शन करती रहूंगी, प्रोटेस्ट करती रहूंगी, क्योंकि देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दूसरी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, जहां पे एक महिला जब उसको पुलिस पकड़ रही है और डिटेन करने की कोशिश कर रही है और उसके हाथ पैर पकड़े हुए, तब वो ये स्लोगन गा रही है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की। मुझे पता है कि कई लोग कांग्रेस से उम्मीद हार चुके हैं और राहुल गांधी से भी, लेकिन आज विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले जितने भी कानून आए उसमें विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई थी। आज भी वही देखने को हो रहा है, जब संसद में विपक्ष आवाज़ उठा रही तो उसको निलंबित कर दिया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा से पूरे सेशन के लिए। तो सोचिए अब कौन होगा जो आवाज़ उठाएगा, जो अपनी बात रखेगा विपक्ष के तौर पर, ताकि जो सरकार कर रही है उस पर कोई तो बोलने वाला हो, कोई तो आवाज़ उठाने वाला हो। क्योंकि मीडिया तो रही नहीं है, मीडिया से जब सवाल पूछने को होता है तो वो पिछली सरकार से पूछती है, पिछले कांग्रेस सरकार से पूछती है कि क्या इसका फायदा और घाटा हुआ। जो कि सत्ता में है उससे कोई सवाल नहीं होता। अब ये सोचने वाली बात होगी, जो सत्ता में है वो बिल लाती है, वो हर एक चीज़ पे ध्यान रखती है, उसके अंडर में पूरा देश चल रहा है, तो विपक्ष से क्यों सवाल पूछा जाए? विपक्ष से के तो साथ में रहना चाहिए, ताकि उनके जो सही सवाल हों उस पर देश की आवाज़ बन के मीडिया अपनी बात रख सके, और साथ ही साथ जो सरकार है उससे सवाल पूछे, ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट के अंदर महंगाई और जीएसटी पर बहस नहीं होने दे रही है मोदी सरकार। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 4 फोटोज शेयर की हैं, जहां पे एक फोटो आप देख सकते हैं जिसमें राहुल गांधी सड़क पे बैठे हुए हैं, दूसरी फोटो आप देख सकते हैं जिसमें राहुल गांधी से पुलिस बातचीत कर रही है, और तीसरी फोटो राहुल गांधी ने जब शेयर की अपने फोन से, उन्होंने खुद क्लिक की है कि किस तरीके से उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, चौथी फोटो जब उनको डिटेन किया जा रहा है तब की है जब उनको पुलिस साथ में लेके जा रही है। इसके साथ ही मैं बता दूं, एक तरफ राहुल गांधी देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी के जेब पे जो महंगाई पड़ रही है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी से लगातार ईडी जांच कर रही है। फिलहाल जब राहुल गांधी को डिटेन कर रहे थे तो राहुल गांधी ने ये कहा कि देश में पुलिस का राज है और मोदी राजा है, यानी कि उनका ये कहना है कि विपक्ष अगर आवाज़ उठा रही है संसद में तो उनको वहाँ से निलंबित कर दिया जा रहा है, और हम जब सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी बात को लेके, तो आज आलम यह है कि पुलिस को तानाशाही करने दिया जा रहा है और उनको आगे करके विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। तो विपक्ष जाए तो जाए कहाँ? विपक्ष का होना आज इतना ही जरूरी है जितना कि देश में पुलिस प्रशासन का होना जरूरी है, और साथ ही साथ कोर्ट का होना जरूरी है। क्योंकि विपक्ष नहीं होगी तो आवाज़ कौन बनेगा? आज विपक्ष के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुखद है। फिलहाल कांग्रेस जो है काफी एक्टिव है, वो पूरे देश में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, कई बड़े नेता कांग्रेस के सामने आ रहे हैं और इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेके एक ट्वीट किया है, आप वो भी देखिए। राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे,
सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगी। तो वही कांग्रेस हैंडल से लिखा जाता है कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे ही तो आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है, हैशटैग सत्याग्रह विद सोनिया गांधी। अब जब विपक्षी नहीं है तो कोई भी बिल ले आया जाएगा बिना किसी के रुकावट के और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, जैसा कि किसान आंदोलन में किया गया था जब किसान सड़कों पे आ गए थे, किसान के जो तीन काले बिल बताए जा रहे थे उसको लेकर, और CNRC जैसा बिल भी लाया गया था देश में। ऐसे कई बिल लगातार लाए जा चुके हैं इस सरकार में जिसमें विपक्ष नहीं होता और विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं होती। ये बहुत कमज़ोर कर देगा अपने देश को क्योंकि मीडिया पहले से ही खामोश है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। तो देश में कोई भी चीज़ की जाएगी या कोई भी बिल लाया जाएगा तो रोकने वाला नहीं होगा कोई भी। तानाशाही इसी को कहते हैं शायद। तानाशाही जब देश में बढ़ जाती है तो विपक्ष खत्म हो जाता है, विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं होती। इसीलिए राहुल गांधी ने ये कोट किया था कि मोदी आज इस देश में राजा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको लगता है कि विपक्ष का होना ज़रूरी है कि नहीं है, क्या कांग्रेस को मजबूत करना आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हो गया है। आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आप बताइएगा आपकी राय क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ सारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।